भाभी 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 हाँ क्या हुआ है? कहाँ गुम है? कोई परेशानी है? शाइन, अगर मैं तुमसे एक बात कहूँ तो तुम किसी से कहोगे तो नहीं ना? बिल्कुल भी नहीं भाभी, क्या हुआ है? मैं अमात को लेके बहुत परेशान हूँ। रातों को सो नहीं रहे हैं, टेरेस पे जाके सिगरेटें पीते हैं, उनसे कुछ पूछो तो उलझ जाते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं। तो बताए इसकी कोई परेशानी होगी ना? ऑफिस की बात नहीं है, ऑफिस में तो पहले भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं, कभी इस तरह से रिएक्ट ही नहीं किया उन्होंने। इस बार मामला कुछ और है, मैं मम्मी से भी नहीं कह सकती, एक तुम ही हो जो पूछ सकते हो। प्लीज कुछ मालूम करो ना, मुझसे उनकी परेशानी नहीं देखी जाती है। ये अरबाज के साथ उनका क्या चक्कर है, उनका ताल्लुक क्या है उससे? मैं पता करवाता हूँ भाभी, आप परेशान मत, ठीक है? आज आखिर तुम चाहते क्या हो मुझसे? क्यों गए थे सरजीला बेगम के पास? जानते हो वक्त से पहले अगर उन्हें सच का पता चल गया तो क्या होगा? अच्छा, अपनी सास के खौफ से तुम मुझे रात भर फोन करते रहे, कितने डरपोक हो तुम? तुम खेल रहे हो मेरे साथ? खेल तो मैं किसी और के साथ खेल रहा हूं, तुम तो सिर्फ उस खेल का एक छोटा सा हिस्सा हो जिसे जरूरत पड़ने पर मैंने इस्तेमाल किया, तब जरूरत खत्म। इसका मतलब कि तुमने मुझे इस्तेमाल किया है? मैंने तुम्हारी लालच को इस्तेमाल किया है बात, जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक गिर सकता है। और देखो, तुमने साबित कर दिया कि तुम कितने घटिया हो। अब जरा सोचो, जब तुम्हारी सास को ये पता चलेगा कि तुमने चंद पैसों की खातिर अपनी सास के भरोसे को बेच दिया तो कैसा लगेगा उन्हें? केस तो बनता है ना तुम्हारा। बस मुझे कमजोर मत समझना, अगर मैं डूबा ना तो बचोगे तुम भी नहीं। फिलहाल तो खुद को बचाने की तैयारी कर। अगर मुझे मेरे 20 करोड़ नहीं मिले ना तो जो खेल मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा उसका तुम्हें भी पता नहीं चलेगा। तुम्हारी सास के घर के 20 करोड़ तो क्या, तुम्हें उसमें से 20 पैसे भी नहीं मिलेंगे। बास, फ्रॉडिये मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अगर मेरे घर में आग लगी ना तो खुदा की कसम तुम्हारा घर भी इस आग की लपेट में होगा, बता रहा हूं तुम्हें।